जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा इनकम्प्लीट था, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, फाइंड द नंबर्स। हमने इसको लेट किया था, फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स और सेकंड वन क्या हो जाएगा फिर एक्स प्लस वन, थर्ड वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ये उस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, सम ऑफ थ्री इंटीजर्स, इन तीनों का हम लोगों ने सम किया इसमें प्लस के साइन डाल के, तो ये क्या आ गया हमारे पास 3x + 3। अब मैंने ये फार्मूले के तौर पर वैसे ही स्टेटमेंट लिख दी, सम ऑफ थ्री इंटीजर्स किसके इक्वल थे, 315 के। सम ऑफ थ्री इंटीजर्स के नीचे मैंने रखा 3x + 3 इज इक्वल टू 315। प्लस का नंबर है तो साइड चेंज करेगा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने किया, 315 में से माइनस 3 निकाल दिया तो क्या आ गया 312। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 312 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 104। और रिकॉल करें कि हमने फर्स्ट इंटीजर्स किसके इक्वल रखा था, एक्स, और एक्स पे हमारा आज क्या आया, 104। सेकंड इंटीजर्स में हमने रखा था एक्स प्लस वन, जहाँ पर एक्स है उसमें पुटिंग कर दें, एक्स की वैल्यू 104 प्लस वन कितना हो गया, 105। थर्ड इंटीजर्स हो गया एक्स प्लस टू, एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करें तो ये एक्स प्लस 104 प्लस टू इज इक्वल टू 106।